वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर द क्वांट क्रैश कोर्स और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरेजेस तो हम बात कर रहे हैं एवरेज की तो एवरेज क्या होता है सिंपल देखिए एवरेज है कभी कभी हम इसको एक्स बार से भी शो करेंगे तो इट इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेटा जो भी है सबका सम करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो यही एवरेज का फार्मूला होता है सिंपल सा है फार्मूला सिंपल लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है और इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन तो अगर कहीं अर्थमेटिक मीन लिखा है तो यानी हम एवरेज की ही बात कर रहे हैं तो हम इस फार्मूले को ऐसे लिख लेते हैं एक्स बार इज इक्वल टू एस अपॉन एन इसी फार्मूले को एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं एस इज इक्वल टू एक्स बार इन टू एन और तीसरा हो जाता है एन इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार तो सेम एक ही फार्मूला है तीन तरीके से हम यूज कर लेते हैं अब देखिए इस इसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही क्वेश्चन करते हुए चलते हैं अ सेट कंटेन फर्स्ट ट्वेंटी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन ऑफ देम एक कोई सेट है जिसमें ट्वेंटी नेचुरल नंबर्स है एक्सेप्ट वन उसमें से एक मिसिंग है कोई इफ द एवरेज ऑफ द सेट इज दिस फाइंड द नंबर विच इज एबसेंट तो देखिए फर्स्ट ट्वेंटी नेचुरल नंबर का मतलब है वन टू थ्री से लेकर ट्वेंटी तक तो पहले हम करेंगे अगर वो नंबर मिसिंग नहीं होता ट्वेंटी हमारे पास नेचुरल नंबर होते तो सम कितना हो जाता तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू तो सम होता टू हंड्रेड टेन अब एक कोई मिसिंग है तो अब हमारे पास नंबर्स हैं नाइनटीन तो उसका सम हो जाएगा एन इंटू एक्स बार यानी तो हम लिख सकते हैं 19 19, 19. तो 19 से कैंसिल 19 अब सम है 203. तो अगर 20 पूरे होते है टू हंड्रेड टेन और अब जो है सम है टू हंड्रेड थ्री यानी जो नंबर मिसिंग है that is 7. आंसर हो जाएगा सेवन तो एवरेज के क्वेश्चन को हम नॉर्मली करते हैं सम में कन्वर्ट करके तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा सम टू नंबर एवरेज। अब कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं हम डिस्कस तो एवरेज जो होगा हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में लाई करेगा मतलब कोई डेटा सेट है मान लो सिक्स सेवन एट टेन फिफ्टीन थर्टी अगर हम इसका एवरेज कहें तो हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हमें सीधे पता है सबसे छोटी वैल्यू है सिक्स तो सिक्स से तो बड़ा होगा एवरेज और सबसे बड़ी वैल्यू है थर्टी और थर्टी से छोटा होगा यानी कभी भी एवरेज सबसे छोटी वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता और सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता तो इस रेंज में लाई करेगा देन सेकेंड है सेम नंबर इज एडिड सप्ट्रेक्टेड मल्टीप्लाई डिवाइड मान ली हम नंबर्स ले लेते हैं फाइव सेवन नाइन फोर फोर फाइव नाइन 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 एटीन और सेवन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और टेन ये हमें नंबर्स हैं अब अगर इसका हमें एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सबका सम करेंगे फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस फोर प्लस टेन अपॉन कितने नंबर हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो टेन और फोर फोर्टीन और नाइन ट्वेंटी थ्री और सेवन थर्टी थर्टी फाइव अपॉन फाइव यानी इसका एवरेज है सेवन तो अब अगर हम सारे नंबर्स को सारे नंबर्स में मान लो थ्री ऐड कर दें सब में थ्री तो जो न्यू डेटा सेट बन रहा है उसका एवरेज क्या होगा तो हमें सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है न्यू एवरेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सेवन प्लस थ्री इक्वल टू टेन तो ये जो न्यू नंबर्स बन के आएंगे सब थ्री थ्री को ऐड करके इसका अगर हम एवरेज निकालें तो टेन आएगा तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सबके लिए ट्रू है सबके इन द सेंस कि आप सब कर दें सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें मान लो इस डेटा सेट को मैं कर देता हूं डबल डबल का मतलब हर एक नंबर को मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा टेन फोर्टीन एटीन एट ट्वेंटी तो इसका एवरेज क्या होगा सीधे जो पहले वैल्यू थी सेवन इंटू टू फोर्टीन ये आंसर हो जाएगा तो ये चारों प्रॉपर्टीज के लिए ट्रू है सेम नंबर अगर ऐड होता है सब होता है मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो एवरेज भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है अब जैसे पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं या थर्ड प्रॉपर्टी चलिए पहले डिस्कस ही कर लेते हैं सम ऑफ डेविएशन अबाउट इज जीरो अगर हम डेविएशन लेते हैं अबाउट अर्थमेटिक मीन या एवरेज के तो सम हमेशा क्या आता है जीरो अब डेविएशन का देखो क्या मतलब है हमारे पास नंबर्स थे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था दिस और इसका एवरेज कितना आया था आया था सेवन तो अब अगर हर वैल्यू में हम में से हम इस मीन को माइनस कर दें तो ये जो वैल्यू आती है इसे हम कहते हैं डेविएशन जो मैं अब लिख रहा हूं जैसे जीरो टू माइनस थ्री थ्री ये सब क्या है डेविएशन है तो अगर हम इस सम ऑफ डेविएशन लें तो सम ऑफ डेविएशन हमेशा क्या आएगा जीरो देखिए माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे माइनस थ्री से थ्री कैंसिल ये जीरो है ही तो सम ऑफ डिविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन होता है जीरो अब देखिए एवरेज ऑफ ट्वेल्व नंबर इज नाइन ट्वेल्व नंबर्स का एवरेज था नाइन इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय टू तो देखिए ट्वेल्व नंबर्स थे और उनका एवरेज था नाइन अब वो कह रहा है हर नंबर को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज भी अब क्या हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई होके एटीन एंड एडिड टू थ्री और थ्री को मैं ऐड कर दिया यानी हर नंबर में हमने क्या करा थ्री ऐड कर दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा थ्री ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा ट्वेंटी वन तो एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर इज ट्वेंटी वन तो हमें हर एक नंबर को निकालने की जरूरत नहीं है उसकी वैल्यू निकालने की उस पर मल्टीप्लाई बाई टू है तो टू करने की या एड टू थ्री है तो थ्री ऐड करने की हम सीधे एवरेज को उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं तो पहले एवरेज नाइन था अब हर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो एवरेज भी नाइन इंटू टू थ्री थ्री एड हो गया ट्वेंटी तो तो हम कर लेते हैं इसमें अब हम बात करते हैं सम स्पेशल सीरीज सीरीज एंड प्रोग्रेशन में हम ये सारे चैप्टर पढ़ चुके थे तो एवरेज ऑफ एन कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर तो हमें पता है सम होता है एन इन टू एन प्लस टू फर्स्ट एन अगर इसको हम एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे एन से डिवाइड एन से एन कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब एवरेज होता है एन प्लस वन अपॉन टू किसी भी एन कंजीक्यूटिव नंबर्स का एवरेज होता है एन प्लस वन बाई टू जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि हमारे पास नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव इसका एवरेज क्या होगा तो एवरेज होगा एन इज फाइव फाइव प्लस वन बाई टू यानी कि थ्री अगर हमारे पास नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसका एवरेज होगा टेन प्लस वन बाई टू यानी फाइव पॉइंट फाइव तो हम ऐसे किसी भी एन कन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम बता सकते हैं इसी तरीके से स्क्वायर्स का सम यानी अगर हमें दे रखा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू मान लो फाइव तो हमें पता था सम ऑफ स्क्वायर्स होता है सम ऑफ स्क्वायर्स का सम हमने पिछली क्लास में किया था वो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स ये होता है सम एवरेज हो जाएगा जब एन से डिवाइड होगा तो एक एन हट जाएगा यानी एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस तो यहाँ फाइव नंबर होंगे तो टेन रख, तो रख दो इस तरीके से हम कर लेते हैं इसी तरीके से क्यूब्स का समू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर ये था सम ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं तो एवरेज हो जाएगा एक स्क्वायर इसमें से हट जाएगा ये अपॉन फोर ठीक अब ये देखिए एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला ये है सम ऑफ फर्स्ट एन कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तो अगर हम सम निकाल रहे हैं अभी देखिए पहला ऑर्ड नंबर है वन वन प्लस थ्री अगर देखें तो इसका सम हो जाएगा फोर वन प्लस थ्री फाइव अगर हम देखें तो सम हो जाएगा नाइन इसमें सेवन जोड़ दें तो इसका सम हो जाएगा सिक्सटीन यानी जितने हम एन ऑर्ड नंबर ले रहे हैं तो उसका सम होता है एन यानी अगर एक है तो वन अगर टू ऑर्ड नंबर है तो फोर थ्री ऑर्ड नंबर अगर कोई पूछे सम ऑफ फर्स्ट टेन ऑर्ड नंबर सम की बात कर रहे हैं अभी हम तो वो हो जाएगा टेन स्क्वायर यानी कि वन हंड्रेड अब एवरेज के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा सम को डिवाइड करना पड़ता है एन से तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन यानी एन यानी जितने ऑड नंबर वो आपसे कह रहा है वही एवरेज है यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स तो क्या हो जाएगा आंसर फाइव एवरेज ऑफ फर्स्ट टेन ऑड नंबर्स हो जाएगा टेन तो जितने वो ऑड नंबर कह रहा है वही एवरेज होता है सिंपल इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला ऑड नंबर्स के लिए और ईवी नंबर्स के लिए हो जाता है एन प्लस वन अब नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग है एपी का एवरेज तो एपी में जो होता है एपी के लिए देखिए दो या तीन केस होते हैं मैं आपको अच्छे से यहाँ समझा देता हूं पहला केस है कि एक एपी है और हमें उसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है तो उसका एवरेज हो जाएगा वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू जैसे मान लो ये दे रखा है नीचे देखिए हमें इसका निकालना एवरेज ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस तो हमें फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है तो कुछ नहीं करना इसका एवरेज हो जाएगा वन जीरो वन प्लस वन सेवेंटी थ्री अपॉन टू फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दो डिवाइड बाय टू तो हमें कोई भी इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है अपनी तरफ से ये हो जाएगा टू सेवन फोर डिवाइड बाई टू वन थर्टी सेवन ये आंसर हो जाएगा तो कोई भी अगर एपी है उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम सीधे क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं और उसका मीन निकाल देते हैं मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू अब देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी मल्टीपल्स ऑफ सेवन ट्वेंटी मल्टीपल ऑफ़ मतलब फर्स्ट इज सेवन इंटू वन फिर इसका एवरेज निकालना हमें तो ये देखिए क्या है एक सेवन सेवन के कॉमन डिफरेंस है तो अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हमें क्या करना है सेवन प्लस डिवाइड बाई टू 147 by 2 यानी कि 73.5 ये आंसर हो जाएगा ठीक <coughs> तो हम कभी भी एपी आती है फर्स्ट लास्ट टर्म पता है तो एवरेज निकालने के लिए हम दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म को सम करके डिवाइड बाय टू अब देखिए ये दे रखा है वो कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल ऑर्डर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 130 फिफ्टी एंड वन थर्टी के बीच में नंबर होंगे 51 से शुरू होगा 53, 55, और लास्ट होगा ट्वेंटी वो कह रहा है अगर हम इसका एवरेज निकालें और ऑल मल्टीपल्स ऑफ थ्री बिटवीन ट्वेंटी एंड वन सिक्सटी तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन और वन फिफ्टी थ्री का मल्टीपल होता है 153, 156, 159. वो कह रहा है इन दोनों के एवरेजेस का डिफरेंस निकालना है तो आंसर क्या आएगा तो देखिए बिल्कुल कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ये भी एक एपी है देखिए टू 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 के डिफरेंस के साथ और इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेंटीन एनि की नाइनटी और इसके बाद सेकेंड वाला भी एपी है इसमें हम देखेंगे ये भी ए पी है थ्री थ्री के डिफरेंस के साथ तो इसका होगा ट्वेंटी वन प्लस अपॉन टू तो ये भी कितना आ रहा है यानी कि तो दोनों का एवरेज सेम है नाइन्टी तो उनका डिफरेंस हो जाएगा जीरो तो कंसिडर चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट हमें दे रखा है सीक्वेंस ऑफ सेवन कंजीक्यूटिव इंटीजर एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव इंटीजर इज एन एवरेज ऑफ ऑल सेवन इंटीज तो ऐसे में हम क्या करेंगे तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप रेडी रहिए जो हम बार बार बात कहते हैं एजम्शन के साथ सीक्वेंस ऑफ तो हम ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आ गया अब अगर हम इसका एवरेज निकाले तो ये एक एपी है तो एपी के लिए या तो हम कर सकते हैं सेवन प्लस वन डिवाइड बाई टू यानी इसका एवरेज हो जाएगा फोर ठीक हमें ये दे रखा है और वो कह रहा है average of first five integers is N. अगर सिर्फ की की बात करें तो 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 इसका average क्या होगा कि तो तो हमारे केस में आ रही है थ्री और सब सातों नंबर का सम ले रहा है तो उसका एवरेज आ रहा है फोर तो हम लिख सकते हैं थ्री प्लस वन यानी एन प्लस वन आंसर हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से जब ट्री की बनाने की कोशिश की जाती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप एजम्पन करिए सेवन कंजीक्यूटिव लिख रखा है तो सबसे जो सिंपल कंजीक्यूटिव है वन से स्टार्ट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये ले लिया आप और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे अब जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस होने जा रहे हैं उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा उसको आप ध्यान से सुनिए पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से यूज करूंगा और फिर अपने शॉर्टकट से तो कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ टेन मेंसॉर सेवेंटी तो हम क्या करते हैं उसका सम निकाल लेंगे टेन इन टू एवरेज वेट इफ एन इलेवन गायन के जीज ज्वाइनिंग अब वो 81 आ गया तो पहले 700 से वेट बढ़ के हो गया 781 और न्यू एवरेज हो गया 781 अपॉन एट्टी क्योंकि अब इलेवन पर्सन हो गए तो आंसर इज सेवेंटी वन तो ये तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन से था आप थोड़ा सा आप ध्यान दिए इसको करने का एक दूसरा जो शॉर्टकट है और जिसको मैं प्रिफर करता हूँ तो थोड़ा समझिएगा एक बार समझ में आ गया तो आप आराम से कर लोगे वो कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ टेन में सेवेंटी के जी तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि दस के दस जो लोग थे ये टेन मेंबर्स सबका एवरेज वेट था सेवेंटी ठीक अब एक इलेवेंथ पर्सन आ रहा है यहां एक आया अब उसका वेट कितना होगा तो देखिए अगर उसका वेट होता सेवेंटी ठीक है अगर उसका भी वेट होता सेवेंटी तो क्या होता तो एवरेज मेंटेन रहता यानी सेवेंटी उसका वेट चाहिए किसके लिए एवरेज को मेंटेन करने के लिए कि भाई इतना तो हो गई तभी एवरेज सेवेंटी रहेगा लेकिन वो वेट एक्चुअल में उसका कितना था एट्टी वन तो उसके पास कितना वेट एक्स्ट्रा है इलेवन के जी अब ये जो एक्स्ट्रा वेट है वो क्या होगा इन इलेवन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपको न्यू एवरेज पता चल जाएगा तो 11 के एक्स्ट्रा है और मेंबर्स कितने हैं 11 तो एक को कितना वेट मिलेगा प्लस वन Plus one, plus one. तो न्यू एवरेज हो गया 70 71. तो हम जो करेंगे क्वेश्चन वो इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझिए हमने पहले सेवेंटी दे रखा था तो सबको जितने भी दस मेंबर थे सबको मान लिया सेवेंटी है फिर अगर इलेवेंथ मेंबर आता सेवेंटी के जी के साथ तो एवरेज सेवेंटी ही मेंटेन रहता लेकिन वो एक्चुअल में आया सेवेंटी की जगह एट्टी वन तो उसका सेवेंटी के तो चला गया एवरेज मेंटेन करने में एक्स्ट्रा मिला इलेवन अब ये इलेवन परसेंट में इलेवन के जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबका वेट ऑन एन एवरेज बढ़ेगा वन से तो पहले सेवेंटी था अब हो गया सेवेंटी वन ठीक ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं एवरेज एज ऑफ अस ट्वेंटी फोर एंड वन टीचर इज ट्वेंटी फाइव तो पहले ट्वेंटी फाइव लोग थे और उनकी एवरेज एज थी फिफ्टीन तो हमने टोटल निकाल लिया टीचर इज नॉटिडेंट इज फोटीन ट्वेंटी फोर स्टूडेंट की एवरेज एज फोर्टीन तो हमें टोटल पता चल गया थर्टी थ्री थर्टी सिक्स और इसका जो डिफरेंस है थर्टी नाइन वो टीचर की एज हो गई तो ये तो ट्रेडिशनल मैथड है ये तो आपको आना ही चाहिए लेकिन जो शॉर्टकट है उसको हम कैसे करेंगे तो देखिये इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा ट्विस्ट वैसी कर देंगे हम मान लेंगे कि पहले ट्वेंटी फोर स्टूडेंट थे और उनकी एवरेज एज थी फोर्टीन ठीक कितने स्टूडेंट है ट्वेंटी फोर अब जब इसमें टीचर ऐड हो रहा है टीचर तो टीचर की एज फोर्टीन तो होनी चाहिए किसके लिए एवरेज मेंटेन करने के लिए फोर्टी तो इसी के लिए चाहिए लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है अब एवरेज हो जाती है फिफ्टीन यानी जब टीचर भी है तो कितने लोग हैं हमारे पास ट्वेंटी फाइव परसन है तो सबकी एवरेज एज कितने से बढ़ जाती है वन से फोर्टीन की जगह क्या गई फिफ्टीन तो एक्स्ट्रा यानी कितना होगा तो ट्वेंटी फाइव का वन यूनिट से एज बढ़ रही है तो ट्वेंटी फाइव एक्स्ट्रा वो एज लेके आया था तो टोटल एज हो जाएगी थर्टी नाइन तो ये हमारी जो कैलकुलेशन से बचना है सीधे आंसर देने का कॉन्सेप्ट है अभी मैं और क्वेश्चन करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है सब ध्यान से आप समझते रहिएगा अब देखिए ये जो शॉर्टकट वाली अप्रोच है ये किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन को आसान करती है तो यहाँ पर हमें दे रखा है एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज रिड्यूस्ड बाय फोर व्हेन द टॉपर हु स्कोर्ड नाइनटी मार्क्स इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट हाउ मैनी मार्क्स इज द न्यू स्टूडेंट है तो देखिए कॉन्सेप्ट वाइज चाहे मार्क्स की बात हो रही हो ऐज की बात हो रही हो वेट की बात हो रही हो एवरेज के लिए सब चीज़ें सेम है तो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ ट्वेंटी पीपल में एक नाइन्टी ईयर का पर्सन था एवरेज एज फोर से रिड्यूस हो जाती है अगर वो ओल्डेस्ट पर्सन चला जाता है उसकी जगह कोई न्यू आ जाता तो ऐज ऑफ न्यू पर्सन बताओ तो ये दोनों क्वेश्चन एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेम है एवरेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो देखिए कैसे हम समझेंगे भाई ट्वेंटी लोग थे ट्वेंटी स्टूडेंट तो मैं ये स्टूडेंट लिख रहा हूँ वन टू थ्री ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ट्वेंटी अब सबका एवरेज कितने से डिप हो रहा है फोर से माइनस फोर माइनस फोर तो हम कह सकते हैं टोटल कितने मार्क्स या एज कम हो रही है ट्वेंटी इंटू फोर एट्टी अब ये एट्टी का डिफरेंस क्यों आ रहा है ये इस वजह से आया कि टॉपर या ओल्डेस्ट पर्सन चला गया और उसकी जगह कोई न्यू आ गया तो टॉपर था 90 और डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 80 का तो जो नया आया होगा वो अपने मार्क्स कितने लेके आया है? 10 तो न्यू जो मार्क्स लेके आया होगा 10 वही अगर एज के लिए हम बात करें तो ओल्डेस्ट पर्सन जो 90 का चला गया उसकी जगह जो न्यू आया उसकी एज सिर्फ कितनी थी 10 इयर्स क्योंकि तो इसी की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ कितने का 80 का और एट्टी जब ये ट्वेंटी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सबका एवरेज कितने से डाउन हो गया से तो सीधे हम इस लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं देखिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं होपफुली कुछ समझ में आ रहा होगा एक स्टैंडर्ड तरीका है वो हम कर ही लेंगे जैसे एवरेज फाइव मैन की है ट्वेंटी तो हम निकाल लेंगे फाइव इंटू ट्वेंटी कितनी एज हो गई हंड्रेड इयर्स एवरेज एज इंक्रीज बाय वन मैन एंड न्यू मैन ज्वाइन है एक न्यू पर्सन आ गया यानी अब कितने लोग हो गए सिक्स और एवरेज एज हो गई ट्वेंटी वन तो यानी अब ट्वेंटी हो गई तो जो नया आया था उसकी एज कितनी थी ट्वेंटी लेकिन इससे बेटर है थोड़ी सी देर दिमाग लगाओ और उस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि फाइव मैन है तो हम मान लेते हैं सबकी एज थी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ट्वेंटी ठीक फाइव मैन है ये अब एक आ रहा है सिक्स मैन ठीक तो सिक्स मैन ट्वेंटी तो एज लेके ही आया होगा क्यों ताकि एवरेज क्या रहे मेंटेन अब इन छह छह लोगों की क्या हो रहा है वन से एवरेज क्या हो रहा है इंक्रीज सिक्स मैन का तो यानी वो एक्स्ट्रा कितना लेके आए अपने साथ सिक्स इन टू वन ये था एक्स्ट्रा तो उसकी एज एक्चुअल में कितनी थी ट्वेंटी सिक्स

तो अभी हमें 18 इनिंग का एवरेज नहीं पता है अब वो कह रहा है इनिंग्स में क्या हुआ? उसने कितने रन बना दिए तो उसका एवरेज क्या हो गया सबका एवरेज फोर से इंक्रीज हो गया तो देखिए नाइनटीन इनिंग सब में उसका कितना एवरेज कितने से बढ़ गया फोर 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 तो यानी नाइनटीन इंटू फोर

और फिर जब नाइनटीन इनिंग्स पे उसने बना लिया तो एवरेज उसका इंक्रीज हो गया फोर से तो वो अब न्यू एवरेज पूछ रहा है after the 19th तो answer is 26. ठीक, तो ठीक इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कभी कभी एवरेज का कॉन्सेप्ट एज के साथ भी आता है तो एज का क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं एज में हमेशा याद रखिए हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज को एज्यूम करते हैं बाकी फिर ईयर्स एगो दे रखा है फ्यूचर दे रखा है वो क्वेश्चन के हिसाब से फिर चेंज कर हैं तो हमारी कोशिश होती है, जब भी एज को हम एज्यूम करेंगे हम कौन सी एज एज्यूम करते हैं प्रेजेंट तो यहाँ दे रखा है एवरेज एज ऑफ कपल कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज भी एच एंड डब्ल्यू हस्बैंड की है एच वाइफ की है डब्ल्यू तो कपिल दे रखा है तो वो कह रहा है टेन इयर्स है वो तो टेन इयर्स है वो हो जाएगा हस्बैंड की एज हो जाएगी एच माइनस टेन वाइफ की हो जाएगी डब्ल्यू माइनस टेन तो उनका एवरेज है ट्वेंटी सेवन एवरेज का मतलब दोनों का सम करो दो ही वैल्यूज है डिवाइड बाय दो वैल्यूज है तो डिवाइड बाय टू इक्वल तो ये हो गया एच प्लस डब्ल्यू माइनस एच प्लस डब्ल्यूल टू सेवेंटी फोर ये एक पहली क्वेश्चन हमें पता चल गई अब वो कह रहे प्रेजेंट की बात हो रही है तो एवरेज एज ऑफ कपल एंड दर बेबीज ट्वेंटी सेवन तो अब कितने लोग हो गए तीन टुडे मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में हस्बैंड की है एच वाइफ की है W और बेबी की है बी और एवरेज के लिए हो जाएगा डिवाइड बाई थ्री क्योंकि तीन परसेंट है और एवरेज अभी भी कितना है ट्वेंटी सेवन तो एच प्लस डब्ल्यू की वैल्यू रख दो यहाँ से सेवेंटी फोर तो ये हो गया सेवेंटी फोर प्लस बी इज इकल टू ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेंटी सेवन थ्री एट्टी वन तो बेबी की वैल्यू हो गई एट्टी वन माइनस सेवनटी फोर यानी कि सेवन तो बेबी के प्रजेंट एज है सेवन तो इस तरीके से एवरेज को एज के साथ मिला के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और अब एक लास्ट क्वेश्चन अगेन इसमें हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे पहले हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन जैसे करते हैं सब लोग वैसे समझाता हूँ फिर तुम शॉर्टकट वो कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड ए 71 तो टोटल तो मार्क्स हो जाएंगे 17 इंटू वन बट इट वॉज लेटर फाउंडेड मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैोंगली एंटर्ड ए सिक्सटी फाइव इन स्ट फिफ्टी सिक्स अब करेक्टेड मार्क्स निकालने होंगे कुछ गलती हो गई थी मार्क्स अपलोड करने में तो कैसे निकलेगा पहले तो सेवनटीन इंटू सेवनटी वन जो करा होगा आपने पहले वो निकाल लेते हैं सेवनटीन इंटू सेवनटी यानी सेवनटी से कर दो सेवनटीन को तो सेवन सेवन जैन और सेवन वन जो सेवन और फोर इलेवन वन वन नाइन जीरो प्लस सेवेंटीन तो ये हो गया आई थिंक सेवन नाइन और वन टेन ठीक है अब इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे जो कि गलत एंटर्ड हुए थे तो एंटरड एस सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव एंटर्ड हो गया था लेकिन करेक्ट है फिफ्टी सिक्स एंड अनदर एस ट्वेंटी फोर ऑफ फिफ्टी तो ये करेक्टेड मार्क्स हो गए तो अब न्यू एवरेज हो जाएगा ये सारी चीज आप कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई सेवनटीन क्योंकि अभी भी मार्क्स सेवनटीन स्टूडेंट्स के ही है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अब ये सब कैलकुलेशन से देखिए बचने के लिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं दिमाग अभी ओल्ड एवरेज था पहले कितना सेवेंटी वन और स्टूडेंट्स कितने थे 17। अब देखिए करेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा करेक्शन का इफेक्ट क्या हुआ है हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं तो देखिए उसके मार्क्स एंटर्ड थे सिक्सटी फाइव तो 65 हटाना है और करेक्ट मार्क्स थे फिफ्टी सिक्स तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आया ओवरऑल इफेक्ट जो होगा यानी ओवरऑल जो स्कोर है सारे स्टूडेंट्स का वो कम हो जाएगा कितने से नाइन से और दूसरा वाले में क्या हुआ ट्वेंटी फोर गलत एंट, एंटर हुआ था तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे और करेक्ट ऐड करने पड़ेंगे फिफ्टी तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ प्लस ट्वेंटी सिक्स तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट है माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी सिक्स यानी कि प्लस सेवनटीन यानी ओवरऑल मार्क्स बढ़ेंगे कितने सेवनटीन अब देखिए सेवनटीन तो मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन स्टूडेंट कितने हैं सेवनटीन है तो ऑन एन एवरेज पे क्या इफेक्ट बढ़ेगा तो एवरेज इंक्रीज होगा कितने से वन से तो पहले था सेवेंटी वन अब वन इंक्रीज होके हो जाएगा सेवनटी टू ये आंसर हो जाएगा तो ये देखिए सारी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो एवरेज का तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट थे एवरेज के नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज का कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज जब दो डिफरेंट दो या तीन डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं उनका अलग अलग एवरेज होता है और उन्हें एक साथ हम कंबाइन करते हैं यही कॉन्सेप्ट बनता है बेस मिक्सचर एलिगेशन वाला तो नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे एवरेज में सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग